हेलो दोस्तों, लेट्स रिस्टार्ट आर जुरिसप्रूडेंस और इस पर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम सॉरी, मेरे पास मतलब इसके लिए शेयर करने के लिए कुछ अभी है नहीं स्क्रीन पे, बट इफ नीड बी हम इस मतलब कि हम लोग इसकी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ शेयर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। बट बाय द वे, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शुरू होता है एनालिटिकल स्कूल। इसको इम्परेटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं, जुरिसप्रूडेंस बोलते हैं, और इनफैक्ट इसके इसको वो भी बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ जुरिसप्रूडेंस भी बोलते हैं। इसके आपके एज आई सेड यस्टरडे चार मेन स्कॉलर्स हैं, बेंथम, ऑस्टिन, उसके बाद आपका आ जाएगा केल्सन, और फिर आ जाएगा आपका ये हार्ट हार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके जैसे बेंथम लिमिट्स टू जुरिसप्रूडेंस डिफाइंड है। अब बेंथम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। बेंथम वॉज अ क्रिटिक ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट। तब वो कुछ नहीं मानता था, वो सिविल राइट का मेन पर्सन था। उसने एक मतलब उसने सोसाइटी वो भी प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म को उसने मतलब भी उसको उसने दिया था। इनफैक्ट ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिसप्रूडेंस, और फादर ऑस्टिन को कहते हैं। अब देर इज नॉट मच सेंस, बस इतना याद कर सकते हैं आप लोग। और इसने एक सोसाइटी फिलोसफिक कैलकुलस निकाला था, साइंटिफिक स्टडी की थी सोसाइटी को, कैसे उसकी हैप्पीनेस मेजर कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और उसने प्लेजर पेन के कॉन्सेप्ट पे वो बोला था। और उसके बाद इसके लिए मतलब सोसाइटी इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, तो इसलिए वो इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म पे फोकस करता है, सोसाइटल यूटिलिटेरियनिज्म पे नहीं फोकस करता है। अगर मान लीजिए सोसाइटी में 10 लोग हैं और उसमें से कोई किसी काम करने से 9 लोग की खुशियां बढ़ रही हैं, तो वो सोसाइटी उसमें खुश है। या ऑल्टरनेटिवली इसको क्रिटिसाइज ऐसे भी किया जा सकता था कि जिस तरह क्रिटिसाइज किया गया द वे बेंथम अंडरस्टूड इट, कि अगर एक आदमी को लेट से अगर कोई एक्शन हुआ जिससे एक आदमी की खुशी 100 हो गई, और कोई दूसरा एक्शन हो, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो बाकी जो 9 लोगों की खुशी 5-5 बढ़ेगी। तो वो एक्शन होना चाहिए जिससे एक आदमी खुशी 100 हो गई, बाकी को भले कुछ हुआ हो। इट वॉज सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज्म, इसीलिए इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑस्टिन पे। ऑस्टिन बेसिकली बेंथम का डिसाइपल मान सकते हैं, बट ऑस्टिन ने एक कमांड थ्योरी दिया अपने लॉ का। उसने क्या कहा, उसने लॉ को 2 तरीके से डिफाइन किया, एक लॉ प्रॉपरली और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। और ये इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गए, लॉ प्रॉपरली में भी उसने 2 बात बताई, लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन और लॉ मेड बाय गॉड। लॉ मेड बाय गॉड को भी वो लॉ नहीं मानता है। लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन जो कि बैक्ड बाय कमांड या सैंक्शन, और नॉट बैक्ड बाय सैंक्शन। सिर्फ वो जो एक पोर्शन है विच इज लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन बैक्ड बाय कमांड और सैंक्शन, उसको वो लॉ मानता है, और बाकी सब पॉजिटिव मोरालिटी है उसके हिसाब से। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, क्योंकि सॉवरेन जो भी बोलेगा इट विल बी बैक्ड बाय सम सैंक्शन, विल बैक्ड बाय सम कमांड। ऑस्टिन का यही मेन इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट ऑस्टिन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश स्कूल ऑफ जुरिसप्रूडेंस। और ऑस्टिन का एक डिसाइपल था हॉलैंड, उसने उसकी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट उसका नहीं है कि आई थिंक लिमिट्स ऑफ मैंने वो तो लिमिट्स टू जुरिसप्रूडेंस इसकी किताब है बेंथम की। आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स जस्ट आफ्टर दिस वीडियो कमिंग बैक। हाँ, कैल्सन, मतलब इट्स वेरी लेट इन द नाइट, लेकिन चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि भैया आज जुरिसप्रूडेंस की एक वीडियो डालनी है तो डालनी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो करते हैं। हाँ, कैल्सन, केल्सन इज ऑल्सो गुड मतलब इज अ वेल नोन स्कॉलर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिसप्रूडेंस। इसने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी। तो आप देखे होंगे कि इसने भी ऑस्टिन वाले में भी थोड़ी पॉजिटिव मोरालिटी की बात हो गई, नेचुरल लॉ की भी बात हो गई थी थोड़ी, लेकिन सॉरी नेचुरल लॉ को नहीं मानता, इनफैक्ट लॉ मेड बाई गॉड को नहीं मानता है ऑस्टिन लॉ, तो बाकी उन सबको पॉजिटिव मोरालिटी मानता है। तो केल्सन ने साफ साफ बोला कि भाई नहीं, मतलब सिर्फ हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करेंगे और इसमें सिर्फ लॉ की ही बात करेंगे और कुछ नहीं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर थ्योरी। और इसमें क्या कहते हैं कि डिराइव सारे जो लॉज होते हैं, लॉज डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सैंक्शन कहाँ से डिराइव करेगा, तो इट डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, तो ग्रैंड नॉर्म के कॉन्सेप्ट के लिए इसको जाना जाता है।
इनफैक्ट केल्सन वाज फ्रॉम वियना, तो इसलिए इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ वियना स्कूल ऑफ लॉ। तो वियना स्कूल ऑफ लॉ और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मैच हो सकते हैं। उसके बाद हम हार्ट पे आते हैं। हार्ट की इंपॉर्टेंस है कि उसने प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स की बात की। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? प्राइमरी रूल्स गवर्न कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आईपीसी में लेट से क्या कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि अगर मैं एक शादी करके और ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज और मेरी वाइफ सपोज जिंदा है और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो आई विल बी पनिश्ड, आई शुड नॉट डू दिस, तो इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट देता है। सेकेंडरी रूल्स क्या होंगे? सेकेंडरी रूल्स तीन तरह के होते हैं, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, रूल ऑफ चेंज और रूल ऑफ रिकग्निशन। तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन हो गया, जैसे पावर देगा कुछ ट्राइब्यूनल्स को या जजेस को एडजुडिकेट। रूल ऑफ चेंज होगा, जैसे अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट के पास। रूल ऑफ रिकग्निशन, दिस इज लाइक, आई एम सो सॉरी बट बेयर विथ मी, रूल ऑफ रिकग्निशन क्या होगा? इट्स लाइक द ग्रैंड नॉर्म कि फाइनल कहाँ से कोई अगर लॉ बना है तो कहाँ से वो अप्रूव, कहाँ से वैलिडेट होगा। तो ये हार्ट की होगी। तो इसके साथ हमारा एनालिटिकल स्कूल लगभग खत्म हुआ। वी कम टू नाउ हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल में अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेविग्नी। सेविग्नी इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिस्टोरिकल स्कूल से पहले हम एक सोशियोलॉजिकल स्कूल भी देख लेते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आई हेरिंग और रॉस्को पाउंड। और इसके अलावा एक दो और स्कॉलर हैं, उसका भी मैं बता देता हूँ। आई थिंक डुगेट भी इसी में है, बट एक बार पहले तो ये देख लेते हैं। हाँ, तो रॉस्को पाउंड का इंपॉर्टेंट है, उसने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दिया है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात उसने की थी। और उसने की थी कि लॉ कोई भी जो बनाता है तो उसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ वॉन्ट होना चाहिए और मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो रॉस्को पाउंड सोशियोलॉजी, इट्स इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। और आई हेरिंग इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल। या पैसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं ये बात बताता हूँ। तो जैसे आई हेरिंग मतलब बेंथम इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म पे फोकस करता था, आई हेरिंग ने सोसाइटल यूटिलिटेरियनिज्म पे फोकस किया था। तो जैसे बेंथम को फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहते थे, इसको फाउंडर ऑफ, आई हेरिंग को फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल कहेंगे, और ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहते थे, यहाँ पे रॉस्को पाउंड को फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल कहेंगे। तो इस ढंग से ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। एक बार इसमें एक दो और छोटे छोटे हैं, जैसे मैं बता दूंगा। पहले हम मेन इंपॉर्टेंट चीज कवर करते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट बातें हो, तीन लोग हो जाएंगे। एक तो अपना ये इमैनुअल कांट हो जाएगा, एक हीगल हो जाएगा, और एक और बंदा होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें इमैनुअल कांट, ऑब्वियसली हमें मालूम है कि इमैनुअल कांट ने, एक तो उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का वो करता था, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिज्म पे फोकस करता था, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कि दैट थिंग इज ट्रू विच कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड। जैसे आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि एथिकली गलत है। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी यूनिवर्स, इट कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड। अच्छा, बात यह कि चूंकि इमैनुअल कांट फ्रेंच फिलोसफर था, फ्रांस में सिविल लॉ सिस्टम आता है, तो ऑब्वियसली एवरी पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ हिस टाइम्स, कॉन्टेक्स्ट प्लेस उससे उसकी मूरिंग मतलब उसकी नर्चर होता है। तो वो भी लेजिस्लेशन लॉ के लॉ पे फोकस करता था, नॉट द जज मेड लॉ। हीगल पे आते हैं। हीगल ने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस दी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी को मार्क्स ने अपने में यूज किया था जब वो बोला कि कैपिटलिज्म के एंटीथीसिस में आया था सोशलिज्म, और सिंथेसिस होगा कम्युनिज्म के फॉर्म में। तो अच्छा, हीगल स्टेट एक्शन को मतलब स्टेट पावर को रिकग्नाइज करता था, क्योंकि हीगल जर्मनी वाले में था तो स्टेट पावर को रिकग्नाइज करता, लेकिन इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी चाहता था। और उसके बाद एक और बंदा इसमें, अभी मैं बताता हूँ, पहले हम जिन चीजों के बारे में याद है और इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं एक बार ये शेयर कर देता हूँ, इनफैक्ट आपको हॉफिल्ड के एनालिसिस दिखा देते हैं, और दैट विल बी गुड ऑल्सो, क्योंकि ये चीज आपको याद हो जाएगी। शेयर स्क्रीन, एक सेकेंड। हाँ, अभी शेयर कर देता हूँ मैं।
ओ भाई क्या हो रहा है यार, फोटो शेयर करना कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको ना एक सेकंड बस, आई एम नॉट एबल टू शेयर द। अच्छा जी, तो मैंने गड़बड़ किया, ऐसे कैसे होगा। आप हो गया ठीक है। तो ये हम हॉफिल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं। हॉफिल्ड ने तीन तरह की बातें की थी, ज्यूरल कोरिलेटिव, ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्ट, ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्शंस और ज्यूरल ऑपोजिट्स। तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो ज्यूरल कोरिलेटिव दिखाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन, तो द डायगोनल्स एंड आर ज्यूरल ऑपोजिट्स। तो इसमें टोटली स्क्वायर के फॉर्म में हम देखेंगे और टोटली 8 चीजें हैं, तो इसलिए हम दो स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर हम पहला एक स्क्वायर बनाए राइट और क्लीन, स्क्वायर के लेफ्ट इसमें है, टॉप लेफ्ट पे, टॉप राइट पे आपको आएगा प्रिविलेज और लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद और हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो आएगा नो क्लेम, और इधर है तो ड्यूटी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, द कोरिलेटिव ऑफ राइट और क्लेम इज ड्यूटी। कैसे पढ़ेंगे इसको, एक्स हैज अ राइट, ठीक है, तो वाई हैज अ ड्यूटी, लेकिन दोनों में पॉजिटिव हैव हैव की बात हो रही है, ठीक है। कैसे समझेंगे, जैसे अगर स्टूडेंट हैज राइट टू स्टडी तो द टीचर हैज ड्यूटी टू टीच, ठीक है। उधर देखें अगर इसका हम ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे तो वह आएगा प्रिविलेज और लिबर्टी, एक्स हैज राइट और क्लेम, तो दूसरा जो प्रिविलेज और लिबर्टी क्या होगा, अगर सपोज मेरे पास राइट है, सपोज मेरे पास राइट है तो एक्स हैज प्रिविलेज और लिबर्टी, जबकि एक बार पहले हम ड्यूरल ऑपोजिट्स भी देख लेते हैं, इसका मतलब नो क्लेम बोला है, एक्स हैज राइट, ठीक है, एक्स हैज क्लेम, तो एक्स डजंट हैव नो क्लेम, तो इसमें एक्स की ही बात हो रही है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है। इधर देख लीजिए, एक्स हैज ड्यूटी, सपोज एक्स हैज ड्यूटी, इसका मतलब एक्स हैज नो प्रिविलेज, अगर प्रिविलेज नहीं है तो आपको, जैसे लेट से मैं रात को 12:30 बजे क्लास कर ले रहा हूँ, अगर सपोज मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ इस ग्रुप में, तो जो भी इस ग्रुप में होंगे तो उनको तो प्रिविलेज है कि भाई ठीक है आपको 12 बजे क्लास लेने, मतलब आपकी ड्यूटी नहीं है क्योंकि आपके पास प्रिविलेज है, नहीं तो अगर जिनके पास प्रिविलेज नहीं तो उनकी ड्यूटी है उसी टाइम क्लास देखेंगे, चाहे कितने 12:30 बजे 1 बजे उसी टाइम हो रहा है। तो ड्यूटी का ड्यूरल ऑपोजिट प्रिविलेज या लिबर्टी होगी, और एक्स हैज ड्यूटी मतलब एक्स डजंट हैव प्रिविलेज और लिबर्टी, तो इसका मतलब ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन को आप वैसे ही देखेंगे कि एक्स हैज राइट, तो एक्स हैज उसी को प्रिविलेज और लिबर्टी की, जैसे अगला अगला देख लीजिए उसी के बारे में बोलते हैं। जैसे पावर का अगर हम ड्यूरल कोरिलेटिव देखेंगे तो इसका पावर का है लाइबिलिटी, तो एक्स हैज पावर तो वाई हैज लाइबिलिटी, ठीक है। इसका ड्यूरल ऑपोजिट क्या होगा, डिसेबिलिटी, एक्स हैज, उसी तरह इसका देख लीजिए इम्यूनिटी का ड्यूरल कोरिलेटिव क्या होगा, डिसेबिलिटी, जैसे जज हैज इम्यूनिटी तो जो ट्रैफिक पुलिस है दे आर डिसेबल्ड, दे हैव डिसेबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड इसी का आप देख सकते हैं ड्यूरल ऑपोजिट देख लीजिए, पावर का होगा डिसेबिलिटी, तो एक्स हैज पावर तो एक्स डजंट हैव डिसेबिलिटी, एक्स हैज इम्यूनिटी तो एक्स डजंट हैव लाइबिलिटी, अगर मैं इम्यूनिटी है तो मैं लाइबिलिटी नहीं है, प्रेसिडेंट हैज इम्यूनिटी तो प्रेसिडेंट डजंट हैव लाइबिलिटी। लेकिन ये देखिए एक्स हैज लाइबिलिटी तो एक्स हैज डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, पावर और पावर की इम्यूनिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी की डिसेबिलिटी हो जाएगी, एक मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन लग रहा है, मैं एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रीड कैसे करते हैं, ये मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आपको मुझे बताना था। अच्छा ये कुछ कुछ स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे बेंथम को अभी मैंने बताया इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म है, बेंथम का स्टूडेंट था जॉन स्टुअर्ट मिल,
आई हेरिंग सोशल यूटिलिटेरियनिज्म बता ही दिया मैंने। उसके बाद लिविंग लॉ इन एक्चुअल, एक ये हम देख लेंगे जो अपना अर्गम है वो हम अभी किसी स्कूल में वो उसको देख लेंगे। वो फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ पे फोकस करता था। फॉर्मल लॉ होता है जो लेजिस्लेशन बनाता है, लिविंग लॉ होता है विच इज इट इज इन प्रैक्टिस। उसे कहने का मीन्स इसेंस ये था कि फॉर्मल लॉ मस्ट बी अडॉप्टेड टू कीप इन पेस विद द लिविंग लॉ। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बताना था। एनालिटिकल स्कूल में वो मतलब ऑस्टिन ने कुछ साइको मतलब उसने बोला कि आपके मन में डर रहता है, डेटरेंस रहता है, इसलिए आप लॉ फॉलो करते हैं। जबकि केल्सन ने उसका उल्टा बोला। एक बार मैं एग्जैक्ट टर्म आपको बता दूंगा। केल्सन बोला कि आपके ये अब नेचुरलाइज कर लेते हो, आपके अंदर ही आ जाते हैं, आपको इसमें डर वर की कोई बात नहीं पड़ती है। ये ड्यूगेट का स्टेटमेंट है, थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या डिविजन ऑफ लेबर, ये ड्यूगेट का है। ठीक है, अच्छा। फिलोसॉफिकल स्कूल में हमने इमैनुअल कांट देख ही लिया है, हीगल भी देख लिया है, एक फिट्स्टे है। ठीक है, फ्लिंट, ये क्या बोलते हैं, ये इसने कहा है कि ये एब्सोल्यूट इंडिविजुअल, अभी हमने देखा, देखिए कैसे वो हो रहा है, ये स्टेट पावर रिकग्नाइज करता है लेकिन फिर भी साथ में इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इवोल्यूशन हुआ है। और जबकि फिट्स्टे कह रहा है कि एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा फोकस देना है इसको, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमने रॉस्को पाउंड सबसे जो इम्पोर्टेंट था, और आई हेरिंग जो हमारे काम के दो लोग थे उनको देख लिया। इन लोगों को भी आप देख लीजिए, अगर आपको मतलब ऑब्वियसली यू शुड थोड़ा तो मालूम होना चाहिए, सो दैट जैसे एक्रिलिक ने क्या बोला है, एक्रिलिक है ये, एक्रिलिक ने क्या बोला है कि टू बी अ, अभी मैंने बोला थोड़े समय हम फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ के बारे में हम बात करें, इंपॉर्टेंट इसके लिए बस ये है, फॉर्मल लॉ लेजिस्लेशन बनाते हैं, लिविंग लॉ इज व्हाट इज इन प्रैक्टिस। तो मतलब फॉर्मल लॉ शुड कीप इन पेस विद द लिविंग लॉ। ठीक है, उसके बाद डुगुइट क्या बोल रहा है, नो राइट विदाउट ड्यूटी। ठीक है, तो नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। ठीक है, ये मतलब ये बोलता है ड्यूविट का, एक और वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल का ही, कि कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। और ये बात केल्सन ने भी कही थी, केल्सन ने भी ये बात कही थी। और ड्यूविट बोल रहा है नो राइट ओनली मतलब ड्यूटी। या आप देख सकते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो जूरिस्ट हैं वो पहले सोसाइटी में स्टडी करके सब चीजें करते हैं। इनफैक्ट रॉस्को पॉन्ग, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपको नहीं बता पहले मैंने, सोशल इंजीनियरिंग, ये बोला कि लॉ का जो मेन पर्पज है सोशल इंजीनियरिंग करना है, कि कुछ बैलेंस करना है इंटरेस्ट को, कुछ को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है, इस ढंग से। उसके बाद एक डॉक्रम क्या कहता है, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, लॉ विल क्रिएट मतलब इट विल डिवाइड मतलब इट विल डिवाइड लेबर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस क्रिएट करेगा। रॉस्को पॉन्ग ने तो हमने एकदम बड़ी बढ़िया से देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ये ऑस्टिन से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों फादर हैं अपने अपने स्कूल के, और ये दोनों फाउंडर हैं, बेंथम और आई हेरिंग। ठीक है, आगे सोशियोलॉजिकल देख लिया हमने, एनालिटिकल तो हमने बड़े मजे में देख लिया था, बेंथम हिडोनिज्म सब हम देख चुके हैं, ऑस्टेन कमांड थ्योरी, हाँ द टर्म इज साइकोलाइज्ड, जबकि कैल्सन बोलता है डीसाइकोलाइज्ड। ठीक है, डीसाइकोलॉजिकल क्यों, क्योंकि कैल्सन बोलता है आपके नेचर में आ जाता है, कोऑप्ट कर लेते हो इसको, तो ऑस्टेन कहते हैं हमेशा डर रहना पड़ेगा। बाकी हमने हार्ड प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल सब देख ही लिया है। ऑस्टिन नेचुरल लॉ मोरालिटी ये भी इसको क्रिटिसाइज करेगा, एनालिटिकल स्कूल का है। पॉजिटिव लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज पॉजिटिव लॉ द लॉ मेड बाय द स्टेट को, इसलिए ये लोग फोकस करते हैं, पॉजिटिव स्कूल भी कहलाएगा ये। अच्छा, ऑस्टिन एवरीथिंग विच इज नॉट लॉ इसको ऑस्टिन पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल लॉ, लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन विच डजंट हैव सैंक्शन, कस्टमरी लॉ पे तो फोकस ही नहीं करते हैं ऑस्टिन। लेकिन इनफैक्ट जो आपके हिस्टोरिकल स्कूल वाले होंगे, अभी हम उसको देख लेंगे, हमने अच्छे से दिखा नहीं था, वो कस्टम पे फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
एचएलए हार्ट हमने देख लिया, प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल ये हमने देख लिया। हिस्टोरिकल स्कूल पे आते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल जूरिस कौन कौन है, सेविग्नी, हेनरी मेन, ठीक है सेविग्नी हमने देख लिया। चलिए सेविग्नी का इम्पोर्टेंट है, फोक्स काइस्ट की बात करते हैं। फोक्स काइस्ट मतलब द कॉमन स्पिरिट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये बोला कि ये कस्टमरी, मतलब ये कहता है कि फोक्स काइस्ट मतलब इसका कहने का मतलब है कि लॉ इज नॉट मेड, लॉ इज डिस्कवर्ड। ये लोग कहते हैं कि आप अगर आपके प्रेजेंट लॉ या प्रेजेंट लीगल सिस्टम को समझना है तो पास्ट को देखिए। तो ये कहते हैं कि पहले कुछ बात आई होगी, फिर वो कुछ लोग माने होंगे, फिर वो धीमे धीमे कस्टम बना होगा, और जब वो कस्टम बन गया तो उसको लॉ की मतलब उसके बाद बन जाता है। तो लॉ हैज टू बी डिस्कवर्ड, तो ये कस्टमरी लॉ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वही बोला लॉ इज फाउंड, लॉ इज फाउंड इन कस्टम, इट इज नॉट मेड, ठीक है। हेनरी मेन इसको सोशल डार्विनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्विन क्या बोलता है कि पहले हम छोटे थे, फिर इवॉल्व किए, फिर मोर कॉम्प्लेक्स हुए। तो ये सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कहता है, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद इसको जैसे इसके हिसाब से जो अपना हेनरी मेन है, इसके हिसाब से सोसाइटी दो तरह की होती है, या तो स्टैटिक सोसाइटी होती है या प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। स्टैटिक सोसाइटी जैसे जो मतलब जो इंडिया में एंशिएंट में इंडिया में जो कास्ट सिस्टम को जो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा अगर पूजा पाठ ही करेगा चाहे उसको कुछ आता जाता हो नहीं, और मतलब शूद्र का बेटा कूड़ा उड़ा ही उठाएगा ऑल दो वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो इसलिए ये स्टैटिक। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी जहाँ पे आपके पास बार्गेनिंग पावर होती है। तो जैसे मान लीजिए आज के जमाने में आप दलित कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कोई दलित मतलब एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, इट्स ट्रू कि सोसाइटी उस पर उतना रिलाई नहीं करेगी, बहुत उसके सामान नहीं खरीदेगी, बट वो बार्गेन करेगा कि भाई मैं इतनी आपकी वो दे रखा हूँ। उसके बाद आपका एक और ये हिस्टोरिकल स्कूल का जूरिस्ट है प्रास्टो, जो कि वो बोला कि लीगल राइट एक कि दो थ्योरी है, विल मतलब कि उसके दो दो जेनेसिस जेनेसिस है, एक इंडिविजुअल विल और एक जनरल रूल। जैसे ये कह रहा है हिस्टोरिकल स्कूल में ये बात बोल रहा है कि जब इंडिविजुअल विल और जनरल रूल में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो एक स्टेट बनना चाहिए, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेट, जो कि लॉ लाएगा जो बताए कि हाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिविजुअल विल में। जैसे मैं चाहूंगा कि भाई सारे मतलब लोग मुझे ही मतलब मेरी ही वीडियो देखें, ये इंडिविजुअल विल है, लेकिन मे भी मतलब जो जनरल विल वो होगा कि भाई जिसका सबसे ज्यादा कंसाइज है, सबसे ज्यादा उसमें एग्जाम टू द पॉइंट पढ़ाया गया उसको देखा जाए। तो इसमें अब एक स्टेट आना पड़ेगा, और ये इसलिए आइडिया ऑफ लॉ है, तो ये स्टेट की भी थ्योरी ये देता है आगे। अच्छा इसके मतलब प्रिकर्सर्स थे मॉन्टेस्क्यू, जिस मॉन्टेस्क्यू वैसे सोशियोलॉजिकल का भी प्रिकर्सर कहलाता है, हिस्टोरिकल का भी, ऑगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजिकल स्कूल का कहलाता है ये, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर को भी सोशल डार्विनिज्म कहते हैं अब, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर हेनरी अब प्रिकर्सर छोड़िए, बस ट्यूरिस्ट पर फोकस करते हैं। कौन बस मैं 1 मिनट देख लूँ कि और कुछ तो मेरा काम है, छूटा नहीं है। अपने सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें कवर कर ली, ठीक है हमने सब देख लिया है। और इनफैक्ट मैं एक और चीज बताना चाहता था, ऑगस्ट कॉम्टे जो आपको फिलोसॉफिकल स्कूल का जो प्रिकर्सर है, तो वो भी थोड़ी साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहता है उसको,
क्योंकि जिस तरीके से बेंथम ने साइंटिफिक स्टडी करके बोला था कि भाई मैं फिलोसफिक कैलकुलस से जिस टाइम ये सब चीजें कर सकते हैं, तो उसने भी साइंटिफिक स्टडी की थी। ठीक है, दोस्तों, तो इसके साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। और इनफैक्ट उसके बाद अब हमारे बस इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे सबके, जैसे आई थिंक हॉलेट का स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक आध बार पूछ लिया गया, तो उस ढंग के स्टेटमेंट में बता दूंगा। जैसे ह्यूगो इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फ्रांसिस ह्यूगो, तो इस तरह की चीजें कुछ जो है वो मैं बता दूंगा। एंड देन आई थिंक ज्यूरिसप्रूडेंस विल बी डन। मैं कल जल्दी से लेबर लॉ खत्म करता हूँ, एक ही क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद हम हिंदू लॉ पे आएंगे। दोस्तों, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लेबर लॉ के साथ। बाय बाय एंड गुड नाइट।